सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू स्कॉलर एलीट। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज जो पढ़ाने वाला हूँ, आज हम कुछ पढ़ने वाले नहीं है, एक स्ट्रेटेजी जानेंगे MPPSC 2019 के लिए। 2019 के MPPSC की हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिले और आप हमारे चैनल के थ्रू MPPSC की तैयारी कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि भैया MPPSC 2019, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या आने वाला है MPPSC में सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस तो मैं पूरा सा डिटेल में बताऊंगा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ कि किस पोर्शन से क्या क्या आता है। देखिए, जैसे कि एक तो पहले आपको हिस्ट्री पूछी जाएगी, ठीक। अब हिस्ट्री में क्या होगा, आपका जो नॉर्मल स्टैटिक हिस्ट्री है वो प्लस आपका MP का भी हिस्ट्री पूछा जाएगा। ये चीज हो गया। अब बात करें तो उसके बाद सबसे मेजर पोर्शन रहता है जो साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आता है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी बायो से जो है क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बायो मेनली सभी लोग पढ़ते नहीं है, तो बायो से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल ज्यादा हर एग्जाम में पूछे जा रहे, सिर्फ PSC की बात नहीं, सभी एग्जाम में। देन हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गई, देन विविध, मिसलेनियस या फिर विविध की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन। अब विविध में क्या, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, उसके बाद आपके कई सारे वो रहते हैं जो संस्थाओं के नाम, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, ये सब चीजों के बारे में, ठीक। उसके बाद आ जाता है खेल, खेल में स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक प्लस क्या आएगा आपका, स्टैटिक के साथ आता है करंट, तो करंट भी आपको याद रखना है। तो हमने हिस्ट्री देखा, साइंस देखा, हमने विविध देख लिया, हमने खेल देख लिया। अब हिस्ट्री में तीनों है आपका, एंशियंट हिस्ट्री भी है आपका, मिडाइवल भी है आपका और मॉडर्न भी है, तो ये तीनों हिस्ट्री हो गई आपकी इसमें। अब इकोनॉमी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमी से भी एक से दो क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इकोनॉमी भी हो गया आपका, साइंस कर ली हमने। अब मेजर पोर्शन कौन सा बचा जिससे आता है, अब जो आए MPGK, ये मेजर मेन बता रहा हूं, पढ़ना तो आपको सब कुछ है लेकिन मैं बता रहा हूं कि मतलब किनको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, MPGK, उसके बाद एक्ट जो कि SC ST एक्ट हो, चाहे सिविल अधिकार वाला जो नियम है वो हो, तो जो भी एक्ट है, तीनों एक्ट जो हम पढ़ते हैं वो उसमें से आएगा। पिछले बार यानी कि 2018 का जो अभी MPPSC हुआ था, फिर उसकी बात करें तो उसमें SC ST एक्ट जो मैंने पढ़ाया था, जो आप मेरे चैनल पे वीडियो डले हुए, उससे लगभग मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन आए थे SC ST एक्ट से, तो उसमें से 8 क्वेश्चन मेरे ही वीडियो में से आए थे जो मैंने आपको पढ़ाया था। कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर पूरे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जब मैंने एनालिसिस किया, पेपर मैंने भी दिया था, तो पूरे क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो गलत भी थे और पूरे क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो थे लगभग 10 में से 8, ये रेशो में बता रहा हूँ, 10 में से लगभग 8 क्वेश्चन जो है हमारे वीडियो से आए थे, और कई बच्चों के सही भी गए हैं, उन्होंने कमेंट किया, मुझे पर्सनली मैसेज किया, मुझे मेल भी किया है, और कई लोग बहुत दिनों से फोर्स कर रहे थे कि सर MPPSC के रिगार्डिंग आप वीडियो बनाइए, तो इसलिए मुझे यह वीडियो यहाँ पे लाना पड़ा। एमपी का भी जो है, MPGK भी मैंने बहुत अच्छा पढ़ा के रखा हुआ है, पूरे वीडियोस आप देख सकते हो, लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। देखिए, अब मैं बता रहा हूं क्या, तो अगर हम बात करें ठीक, बात यह है कि अब जो 2019 का आपका होने वाला है, प्री की मैं बात करूंगा, यहां पर प्री की बात करूंगा, ठीक है, यहां पर हम मेंस की चर्चा नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमको MPGK तो पढ़ना ही है, MPGK, तो जल्द ही स्कॉलर अलाइट पे मैं ही आपको MPGK फिर से पढ़ाने वाला हूं, और थोड़े नए तरीके से, दूसरे नोट्स के साथ, थोड़े अच्छे वे में उसको याद करेंगे, तो MPGK को हम जल्द ही पढ़ने वाले हैं, कुछ ही दिन में आपको MPGK मिलने लगेगा। तो कॉमेंट करके बताइए कि MPGK आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट चाहिए मुझे इस वीडियो के नीचे। MPGK, देन केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री यहां पर स्टार्ट हो रही है, वो भी कौन सी केमिस्ट्री? सबसे पहले तो लूसेंट, वो भी लूसेंट कौन सी? साइंस वाले, जो स्पेशल साइंस की लूसेंट आती है जिसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहती है मोटी वाली ग्रीन कलर की, वो तो उससे हम जो है पूरी लूसेंट को कवर करेंगे, क्योंकि अगर एमपीपीएससी प्री में आपको मार्क्स लाने हैं तो सबसे पहले तो आपको लूसेंट जो है आपको पूरी एक बार पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन लूसेंट से एज इट इज उठ के आ जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैंने कई बार एमपीपीएससी के एग्जाम दिए हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। तो लूसेंट आपको पूरा, और मैं पढ़ाता भी हूं तो उस हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में लूसेंट एक बार आपको पढ़ा होना चाहिए, जो नॉर्मल लूसेंट है वो, प्लस साइंस वाली भी। ठीक, तो केमिस्ट्री भी जल्दी हमारे चैनल पे स्टार्ट होने वाली है तो उसको भी आप वीडियोस देख पाओगे, और एमपी जीके भी यहाँ पर नोट्स अच्छे तरीके से मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ, तो वो भी आप पढ़ोगे। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट चाहिए कि इनकी वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और देखिए मैं सोच रहा हूँ कि डेली दो वीडियो का रखूं, तो आप थोड़ी सी हमको गाइड कीजिए कि टाइमिंग क्या चाहिए, टाइमिंग क्या चाहिए। और देखिए एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, लाइव क्लास नहीं है, लाइव मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप टाइम बताइए उतने टाइम पे मैं अपलोड करूंगा। तो आप टाइमिंग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि सवेरे एक वीडियो डाल दूं और एक रात में डाल दूं तो कितने बजे डाल दूं, तो अगर आप टाइमिंग बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसा मुझे मौका मिलेगा, जब जब टाइम मिलेगा मैं जरूर वीडियो डालूंगा। तो ये तो हो गया सिनेरियो कि इस टाइप से जो है हमारे चैनल पर वीडियो सभी आने वाले हैं। तो एमपीपीएससी 2019 की हम बहुत अच्छी तैयारी यहां पर करने वाले हैं। अब ये तो हो गया, अब बात आती है, सब लोग एक्ट के पीछे पढ़ते हैं कि भैया एक्ट पढ़ा दो, एक्ट पढ़ा दो। तो एक्ट को भी हम पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे। एक्ट को हम कब पढ़ेंगे? जब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस समय से लेके हम एक्ट को जो है यहां पर क्या करेंगे, जो एक्ट रहेगा हमारा उसको हम ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, तो एमपी जीके हो गया हमारा, ठीक है, एमपी जीके हो गया, एक्ट हो गया, उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हमने मिसलेनियस यानी कि विविध देख लिया, ठीक है, मिसलेनियस यानी विविध देख लिया, हमने साइंस देख ली, और हमने क्या बोलते हैं इकोनॉमी भी पढ़ लिया। ये चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इतिहास। अब एक सेक्शन जो छूट गया, सब बोल रहे होंगे सर ने जियोग्राफी तो बोला ही, जैसे क्वेश्चन आते हैं तो जियोग्राफी भी आपको पढ़नी है, उसके वीडियोस में डाल चुका हूं डिटेल बहुत सारे, और होगा तो मैं फिर से जो है ज्योग्राफी आपको पूरी डिटेल में जरूर पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक सीरीज मैंने अभी स्टार्ट करी थी उसका एक ही पार्ट डाला है, तो जल्द ही उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो ज्योग्राफी भी हमें पढ़ना है। तो और ज्योग्राफी के बाद अगर हम बात करें तो पॉलिटी, पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान और जो उसके सभी चीज है, संसद, इन सब बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। तो जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये सब भी एक मेजर पोर्शन होता है हमारा, तो इनको भी आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी तो लगभग मैं पूरी पढ़ा चुका हूं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हो, और अगर हो पाएगा तो मैं उसके भी आपको वीडियोस यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। एमपी जी के हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, खेल हो गया हमारा, इकोनॉमी हो गया हमारा, तो इन सब चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, एक तरीके से ये पूरा सिलेबस ही हो गया। अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट में कैसे पढ़ा जाए, तो देखिए अभी तो शॉर्ट में पढ़ने का टाइम है नहीं अपने पास, अभी अपने पास डिटेल में पढ़ने का टाइम है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, तो शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, अभी हर चीज को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आपको लूसेंट खत्म करना है, सबसे पहले आपको लूसेंट खत्म करना है। आप हिस्ट्री से उठाइए, आप जो है हिस्ट्री को उठाइए सबसे पहले, और वहां से शुरुआत कीजिए। हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए आराम से, लूसेंट से पढ़िए, फिर उसके मेडिवल पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए, ठीक है, फिर कभी कभी अगर मन ना करे तो बीच में साइंस पढ़िए, तो इन सब चीजों को आप पढ़िए। और बाकी हमारा जो चैनल है, मैं आपको वीडियोस डालूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूं वीडियो में, तो उनको जो है आप अलग से पढ़े, यानी कि अगर मैंने जैसे मान लीजिए एमपी जीके स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो एमपी जीके तो मैं पढ़ा रहा हूं, तो उसको नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में और थोड़ा सा रिवाइज करो, उसके साथ एक चीज अलग लेके चलो कि हिस्ट्री में साथ में लेके चलता हूं, मैं खुद पढ़ूंगा हिस्ट्री, या जियोग्राफी में खुद पढ़ूंगा, फिर मैं जैसे जियोग्राफी पढ़ाने लगूंगा तो आप एमपी रिविजन करने लगो, मैं केमिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूं तो केमिस्ट्री को भी पढ़ो उस टाइम पे, और अदर्स से फिजिक्स या जो भी आपको मन करे एक टॉपिक लेके चलो, मतलब एक तो मैं पढ़ा रहा हूं, एक आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। तो जब भी मैं फिर जो टॉपिक आप पढ़ लिए हो, तो जब भी मैं उसको अगर अलग से पढ़ाऊंगा तो आपको वो अच्छा लगेगा,
कि पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, समझ में आएगा और फिर से आप जो है इसको रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे ही अल्टरनेट लेके चलो, मैं जो सिर्फ पढ़ा रहा हूँ उसी पे मत रहो, एक टॉपिक अपने साथ लेके हमेशा चलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे यहाँ पर। और बुक्स वगैरह के लिए सर बोल रहे थे कि बुक्स का वीडियो, तो उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा एमपीपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक, लेकिन मेजर यहाँ पर अभी यही पढ़ो आप। एमपीजी के मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और बाकी हम धीरे धीरे सभी चीज को करेंगे। तो एमपीपीएससी की तैयारी हम करेंगे 2019 के लिए, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और टाइमिंग जो मैंने बताया वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कितने बजे आपको वीडियोस चाहिए। उतने बजे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा शाम को, और मॉर्निंग में उतने बजे आप लोग सभी नोटिफिकेशन मिले या ना मिले उतने बजे एक बार आप चैनल को चेक कर लो, क्योंकि आजकल YouTube में इशू है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है सभी सब्सक्राइबर्स को। ये हो गया, और बताइए कि एमपीजी के और केमिस्ट्री का जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए। तो आई होप कि ये जो है स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। देखिए उतनी खास मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई है कि एकदम दिन रात 8 घंटे 10 घंटे, कोई जरूरत नहीं 8-10 घंटे पढ़ने की, ठीक है। थोड़े से कम समय में कम मेहनत में हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, जब मेंस का मैं बताऊंगा तो मेंस में हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम प्री के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं, तो प्री के हिसाब से ही पढ़ाई करें, और इससे जो है आपका एमपीपीएससी के साथ साथ व्यापम, एमपी पुलिस सभी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।